हेलो गाइज, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं साइको फोर यू। सो गाइज, एनसीईआरटी की जो कि वीडियोस की हैं, सीरीज चल रही है हमारे पास। हमने इसमें जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कर लिया है। फोर्थ चैप्टर में हमने तीन पार्ट कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फोर्थ चैप्टर में फोर्थ पार्ट रहेगा, ठीक है। और उसमें हम टॉपिक करेंगे सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारा टॉपिक चल रहा है, फोर्थ चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना पहले वो टॉपिक, वो जो पार्ट हैं वो कवर कर लें, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और और तीनों पार्ट्स आप कवर कर लें, उसके बाद यह पार्ट देखना, क्योंकि यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो मैं आपको बता दूं कि ये एडवांस स्टडी है साइकोलॉजी की, एडवांस लेवल की अगर आगे जाकर के कंपटीशन हाई होने वाला है, तो हाई लेवल चलेगा ये साइकोलॉजी का। हाई लेवल की वीडियोज़ ही बन रही है इसमें, मतलब कि जो भी डीपली चीज़ें हैं जो कि हमने साइकोलॉजी में कभी नहीं पढ़ी हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में, जो कि यह 12th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मीन्स आपने कभी भी साइकोलॉजी में देखी पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरी बुक में। ये सीरीज चल रही है, सारी सीरीज़ आप जरूर देखना। तीन चैप्टर हम कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर में इसका फोर्थ पार्ट हम आज कर रहे हैं, ठीक है। सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यहाँ से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, जो कि इसको सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो एक तरीके का यह भ्रम होता है, ठीक है। जो सिजोफ्रेनिक है, एक तरीके का भ्रम होता है, और इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हो जाएगी, इसके काफ़ी लक्षण आगे शामिल हो जाएंगे इस डिसऑर्डर में, तो मेनली वो ही हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं सिजोफ्रेनिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, सिजोफ्रेनिक इज़ द डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सनल सोशल एंड ऑकुपेशनल फंक्शनिंग डिटेरियोरेट एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस, स्ट्रेंज परसेप्शंस, अनयूजुअल इमोशन स्टेट्स एंड मोटर एबनॉर्मैलिटीज़। तो वही ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो सिजोफ्रेनिया है, यह एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव टर्म है। मीन्स डिस्क्रिप्टिव का मतलब अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसको मतलब कि डिटेल में इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, ये एक ही इसमें लक्षण शामिल नहीं होगा। तो यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि साइकोटिक है। मीन्स यह एक हम कह सकते हैं एक मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है यह एक, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि यह क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का जो कि पर्सनल उसका पर्सनल फंक्शन होता है, या सोशल सोसाइटी में वह जो भी एडजस्टमेंट कर रहा है, या जो भी उसका व्यवसाय से रिलेटेड फंक्शन होता है, मीन्स अगर उसे सिजोफ्रेनिया है तो ये सारी चीज़ें वह क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है। तो इसके मीन्स इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि व्यक्ति ज़्यादातर डिस्टर्ब रहता है, जो भी वह अपनी थॉट प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसका जो परसेप्शन होता है वो विचित्र तरीके से होता है, स्ट्रेंज होता है, मीन्स अच्छे तरीके से वो चीज़ें परसीव नहीं कर पाता अपने माइंड में, कुछ और ही उसका जो मीनिंग है वो निकाल लेता है। उसके जो इमोशनल स्टेट है वो अनयूजुअल से होते हैं, ठीक है। वह मीन्स नेचुरल नहीं होते, स्वाभाविक नहीं होते, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो उसकी शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी सही तरीके से नहीं होती हैं, ठीक है। ये सिजोफ्रेनिया के कुछ इसमें हमारे पास लक्षण दिए हैं। आगे कह रहे हैं, इट इज़ ए डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। तो यह एक तरीके का मीन्स क्या है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि दुर्बलता से रिलेटेड विकार है, जिसमें व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक तरीके का दुर्बल महसूस करता है, ठीक है। द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ट्रेमेंडस बोथ टू पेशेंट्स एज वेल एज टू देयर फैमिली एंड सोसाइटी। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई, जो सिजोफ्रेनिक है, चाहे सामाजिक और जो भी साइकोलॉजिकल रिजल्ट होता है, बुरे रिजल्ट होते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो मीन्स जो बुरे रिजल्ट होते हैं रोगी के, तो उसके परिवार तथा समाज दोनों के लिए क्या हो सकता है, मीन्स एक तरीके का हानिकारक हो सकता है, एक तरीके का घातक हो सकता है, ठीक है। तो यह समाज और मनोवैज्ञानिक जो मीन्स मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम होता है किसी भी रोगी और उसके परिवार के लिए या समाज के लिए, यह क्या हो सकता है, उसके मीन्स घातक सिद्ध हो सकता है, यह अच्छी बात नहीं हो सकती अगर सिजोफ्रेनिया है उसको। तो देखो, सिजोफ्रेनिया को मैं थोड़ा सा जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हमने करी है इसको थोड़ा सा सिंपल वे से समझ लेते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया, देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यह एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जिसका जो यूज़ है हम साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए कर रहे हैं। मीन्स यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है। अब इसमें कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक का संबंध, मीन्स यह मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति अपने माइंड में चीज़ें लेकर के आ रहा है, माइंड में एक भ्रम पैदा कर रहा है, ठीक है। उसको शारीरिक बीमारी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति का जो चिंतन प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, उसको जो उसकी
वह अच्छे तरीके से नहीं सोच पाता, वह अच्छे तरीके से ही परसीव करता है, सॉरी अलग तरीके से ही परसीव करता है चीज़ों को, और जो उसका इमोशनल स्टेट है वह अननेचुरल सी होती है, मीन्स उसमें कोई ना स्वाभाविकता स्वाभाविकता नहीं पाई जाती, ठीक है। जो भी उस जिसके कारण मीन्स जो उसका पर्सनल और सोशल या उसका ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी होती है, फंक्शन होता है उसका, तो वह क्या है उसमें बाधा आती है, उसमें इंक्रीजमेंट नहीं होती। तो यह एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये आप अपनी कापी पर नोट कर दो, यह एक मेंटल डिसऑर्डर है। और यह एक चीज़ आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लेना कि यह जो हमारा अडल्ट सेंस होता है जहाँ अडल्टहुड होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मीन्स लक्षण पाए जाते हैं। अडल्टहुड में अर्ली अडल्टहुड होता है जो मीन्स जो युवावस्था होती है, लेकिन अर्ली वाली पहले पहले जब युवावस्था में इंटर करता है कोई बच्चा, तो उसको जो है ज़्यादा हो सकता है सिजोफ्रेनिक। इसमें व्यक्ति हमेशा भ्रम और चिंता में बना रहता है, ठीक है, व्यक्ति को भ्रम और चिंता से लगी रहती है सिजोफ्रेनिया में। तो ये चीज़ें आप अपनी कॉपी पर नोट कर दो जो मैंने बताई है, ठीक है, इसको एक दो बार सुन लेना और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। आगे हम इसके कुछ लक्षण देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। सो आगे पास जो सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरी। तो तीन कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है इसको सिजोफ्रेनिया को। तो हमारे पास है पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और हमारे पास लास्ट है साइको मोटर सिम्टम्स, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास आए हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर। तो ये तीनों आप याद करोगे, इसमें याद रखोगे इसमें कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, इन सिम्टम्स में। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो यह एक देखो सकारात्मक है ना, तो सकारात्मक इसमें चीज़ों की कमी नहीं हो रही। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ दिया है, इसमें कह रहे हैं एक्सीज ऑफ थॉट्स इमोशन एंड बिहेवियर, है ना। तो इसमें जो थॉट्स होते हैं, इमोशन होते हैं और बिहेवियर होता है, उसको एक्सीज किया जा रहा है पॉजिटिव सिम्टम, और नेगेटिव सिम्टम्स में डेफिशिट किया जा रहा है, मीन्स थॉट्स की, इमोशंस की और बिहेवियर की कमी आ रही है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में एक तो ये फर्क हो गया। बाकी इसमें हम सिम्टम्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स में कह रहे हैं आर पैथोलॉजिकल एक्सीज और विजियर एडिशंस टू अ पर्सन बिहेवियर, डेल्यूशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, हाइट एंड परसेप्शंस एंड हलूसिनेशन एंड इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट आर द वन मोस्ट ऑफन फाउंड इन सिजोफ्रेनिया। तो भाई सिजोफ्रेनिया में यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम है तो इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति के व्यवहार में जो पैथोलॉजिकल एक्सीज होता है, जहाँ उसमें मीन्स कुछ ना कुछ डिल्यूजन होता है, ठीक है। सो इसमें व्यक्ति अपने आप को एक तरीके का बेतुका सा महसूस करता है, ठीक है। सो इसमें कुछ लक्षण दिए गए हैं कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये आप याद रख लोगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं। इसमें व्यक्ति डेल्यूजन शो करता है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच शो करता है, इसमें उसमें ये विकार होता है हाइट एंड परसेप्शन का, हलूसिनेशन का विकार होता है, और उसमें इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट सा होता है, मीन्स व्यक्ति में एक तरीके की विलक्षणता पाई जाती है, ठीक है, व्यक्ति में एक तरीके का, और यह भी एक तरीके का भ्रम ही होता है, ठीक है, डेल्यूजन। और इसमें क्या होता है कि एक तरीके का जो उसका चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, और उसकी स्पीच होती है, वह डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। और इसमें व्यक्ति जो परसीव कर रहा है, परसेप्शन कर रहा है, ठीक है, वह अच्छे तरीके से नहीं परसेप्शन कर रहा है इसमें, ठीक है, और जो भी उसका इनअप्रोप्रिएट व्यवहार होता है व्यक्ति का एक तरीके का, तो ये गुण उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सीज वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स में। अब इनको मीन्स आपने याद रखना है इनमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। कुछ पैथोलॉजिकल एक्सीज आए हैं जिसमें हमने डिल्यूजन पढ़ा, डिल्यूजन जिसमें हमने डिसऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग पढ़ी, जिसमें हमने जो कि परसेप्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, हाई टेंड परसेप्शन पड़ी, जिसमें हमने हालूसिनेशन पढ़ा। तो एक बार और याद रखोगे जो हालूसिनेशन होता है इसको इसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हालूसिनेशन को डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक पॉजिटिव सिम्टम्स में जो सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम कैटेगरी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो आगे यहाँ पे अब हम डिल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, डिल्यूजन होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं मैनी पीपल विद सिजोफ्रेनिया डेवलप डिल्यूशन, तो भाई जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते हैं लोग उनमें यह चीज़ विकसित हो सकती है। तो यह डिल्यूशन एक तरीके का भ्रम होता है, ठीक है, इसको हम भ्रम बोल सकते हैं, धोखा बोल सकते हैं, एक झूठा विश्वास बोल सकते हैं, कष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह एक तरीके का भ्रम होता है। यहाँ पे कह रहे हैं अ डिल्यूजन इज़ ए फॉल्स बिलीफ दैट इज़ फर्मली हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई रैशनल आर्गूमेंट्स एंड हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी। तो वही डिल्यूशन को कहा गया है कि यह एक फॉल्स बिलीफ है, यह एक झूठा विश्वास है,
जिसका मींस जो भी ग्राउंड होता है वह इनएडिक्यूट होता है, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ ग्राउंड नहीं होता, ठीक है, वह अपर्याप्त होता है, मतलब कि अच्छे तरीके से विकसित किया हुआ कोई भी इसका बेस नहीं है, इसमें कोई भी रैशनल आर्गूमेंट नहीं पाई जाती या उससे मीन्स अफेक्टेड नहीं होता कोई भी रैशनल आर्गूमेंट से, क्योंकि इसमें चीज़ें सोची ही नहीं जाती, ठीक है, दिमाग में हम कुछ ना कुछ झूठी चीज़ें सोच लेते हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। सो यहाँ पे कह रहे हैं एट हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी, तो यही यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है। सो ये डेफिनेशन आप यहाँ तक इसकी याद रख सकते हो कि भाई एक तरीके का जो है क्या होता है, झूठा भ्रम होता है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो अगर आप नोट करना चाहते हो तो। बाकी सिंपल सी बात इतनी याद रखोगे कि जो हमारे माइंड में झूठी चीज़ें चल रही हैं वह डिल्यूशन हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति मीन्स हर व्यक्ति में ये चीज़ें चलती है, जस्ट ये चीज़ें उस व्यक्ति में चलती हैं जो कि सिज़ोफ्रेनिक विकार से क्या है ग्रसित हैं, ये जस्ट जो रोगी होते हैं विकारों से ग्रसित उनकी बातें की जा रही हैं, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी व्यक्तियों में, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, तो ये आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो डिल्यूशन है, डिल्यूशंस को काफ़ी चीज़ों में मीन्स आगे इसको डिवाइड किया गया है, इसमें जो इसके टाइप है वो हम पढ़ेंगे। तो डिल्यूशन में हमने जस्ट एक इतनी बात पढ़ी कि भाई जो एक व्यक्ति का विश्वास होता है वह झूठा होता है, उसका रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब डिल्यूशन में फर्स्ट कह रहे हैं कि डिल्यूशन ऑफ पर्सिक्यूशन हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिल्यूशन persecutions आर द मोस्ट कॉमन इन सिज़ोफ्रेनिया, तो जो डिल्यूशन ऑफ persecution है ये भी सिज़ोफ्रेनिया में मीन्स कॉमन ही पाया जाता है। तो कह रहे हैं पीपल विद दिस डिल्यूशन, जो यह भ्रम होता है, तो जो लोग इससे ग्रसित होते हैं तो उनका क्या विश्वास होता है, कह रहे हैं दे आर बींग पॉटेड अगेंस्ट, कि उनको यह लगता है कि कुछ लोग उनके विरुद्ध कोई ना कोई संघर्ष रच रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई संघर्ष उनके द्वारा रचा जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा। इसमें कह रहे हैं कि स्पाइड ऑन, तो मीन्स दूसरे लोगों द्वारा उनकी कोई ना कोई जासूसी की जा रही है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं स्टैंडर्ड, मीन्स उसे लगता है कि कोई ना कोई उसको किडनैप कर लेगा या उसको कोई ना कोई पकड़ लेगा, ठीक है, उसको धमकियां दी जा रही है, कोई ना कोई उस पर अटैक कर देगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस पर कोई ना कोई आक्रमण कर देगा, तो मीन्स ये सारी चीज़ें उनको लगती हैं उसको कोई ना कोई उत्पीड़न मीन्स कष्ट दे रहा है। मीन्स अब पर्सिक्यूशन में आपने जस्ट इतनी बात याद रखनी है कि व्यक्ति का इसमें यह भ्रम होता है, विश्वास होता है। देखो डिल्यूशन में हमने पढ़ा झूठा विश्वास, अब ये सारी झूठी चीज़ें व्यक्ति के माइंड में होती है, हालांकि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इसमें लगता है कि कुछ लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पर्सिक्यूशन में आपने याद रखनी है। इसको बोलते हैं हिंदी में उत्पीड़न भ्रम, ठीक है, इसको उत्पीड़न भ्रम बोलते हैं हिंदी में, तो ये आप याद रख सकते हो उत्पीड़न भ्रम, तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में पर्सिक्यूशन याद रख लोगे तो अच्छी बात है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस, तो रेफरेंस में क्या कह रहे हैं, इन विच दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शन ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। तो अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि भाई इसमें वे जो कि दूसरों के कार्य होते हैं, दूसरे व्यक्तियों के, दूसरों या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, घटनाएँ होती हैं, तो उनके प्रति जो इस भ्रम से ग्रसित होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ चीज़ों को जोड़ देते हैं, मीन्स उनका अर्थ अपने साथ जोड़ देते हैं। तो यही चीज़ कही गई है इसमें कि दे अटैच, तो जोड़ लेते हैं कुछ विशेष और पर्सनल मीनिंग, कुछ अर्थ जोड़ देते हैं, विशेष और पर्सनल मीनिंग जोड़ देते हैं दूसरों की क्रियाओं के या किसी ऑब्जेक्ट्स के या इवेंट्स के, क्लियर है। तो इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ अगर ये चीज़ आपको नहीं समझाई, लेकिन डेफिनेशन आपने यही याद रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इस रोग से ग्रसित है तो वह दूसरे व्यक्ति को देखकर उससे डरेगा, अगर उसे लगता है कि दूसरे व्यक्ति के हाथ में पेन या पेंसिल है तो रोगी को लगेगा कि शायद यह मुझे मारने के लिए हो सकती है पेन पेंसिल, तो यह एक तरीके का उसका झूठा भ्रम है। जहाँ मीन्स अब उसने उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट था तो वह अपने साथ जोड़ लिया उस सब्जेक्ट को कि भाई पेन पेंसिल मेरे मारने के लिए है, ठीक है, मीन्स जो भी बाहरी घटना या जो भी बाहरी कोई पर्यावरणीय घटना भी होगी ना, तो उसे लगेगा कि यह भगवान ने या ऊपर वाले ने मेरे लिए ही किया है। जैसे कि अगर उसने ऑफिस जाना था और बारिश हो गई तो उसे ये लगेगा कि भगवान मीन्स जो बारिश नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊं, तो उसने बारिश को या भगवान को अपने साथ जोड़ लिया, तो दूसरी चीज़ों को वह अपने साथ जोड़ देता है, क्लियर है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति के हाथ में चाकू देखा, जस्ट वो था सब्जी काटने के लिए, लेकिन उसने उस चाकू को अपने साथ जोड़ दिया कि शायद जो है मुझे इस चाकू से मारना चाहता है, क्लियर है। तो ये डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ें व्यक्ति के माइंड में चलती रहती हैं। ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
सो इसमें क्या कह रहे हैं, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडर में कह रहे हैं पीपल बिलीव देमसेल्फ टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन। तो भाई इसमें व्यक्ति का यह भ्रम होता है, यह विश्वास होता है, झूठा विश्वास, जो कि इसमें उसे यह लगता है कि उसमें कोई ना कोई स्पेशली शक्ति है, उसमें कोई ना कोई स्पेशल शक्ति है जो कि दूसरों से अलग है, ठीक है। तो इसमें वह अपने आप को एक विशेष शक्तियों से बना हुआ इंसान मानता है, ठीक है। आगे है फोर्थ हमारे पास डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल में क्या कह रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि दे बिलीव दैट their feelings, thoughts and actions are controlled by others। तो इसमें व्यक्तियों का जो भी रोगी होते हैं उसका यह विश्वास होता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं या एक्शंस हैं वह दूसरों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, मीन्स उनको किसी दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, अपने आप वह कुछ भी नहीं कर रहे, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे डिल्यूशंस पढ़ा, देखो सिजोफ्रेनिया का एक पॉजिटिव पार्ट पढ़ा डिल्यूशन, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और मोटर, है ना। तो सॉरी साइकोमोटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हमने पॉजिटिव में पढ़ा था मेन डिल्यूशंस, तो डिल्यूशंस हमने इसमें चार तरीके के डिल्यूशन पढ़े, एक तो पर्सिक्यूशन से रिलेटेड पढ़ा, एक रेफरेंस से रिलेटेड पढ़ा, एक हमने ग्रैंडर और लास्ट में हमने पढ़ा कंट्रोल, ठीक है। पर्सिक्यूशन में हमने देखा कि इसमें व्यक्ति क्या करता है कि माइंड में यह एक भ्रम पैदा कर लेता है कि उसे लगता है कि दूसरे लोगों द्वारा उसके उसे किल कर दिया जाएगा, आक्रमण कर दिया जाएगा, उसे किडनैप कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके प्रति कोई ना कोई साजिश रची जा रही है, ठीक है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये चीज़ें वह प्रोसिक्यूशन में सोचता है, और रेफरेंस में वो क्या करता है कि जो अपने साथ कुछ दूसरी चीज़ों का मीनिंग होता है वह अपने साथ जोड़ देता है कि ये चीज़ का मीनिंग मेरे लिए ही बना था, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस में ये चीज़ करता है। ग्रैंडर में आप, ग्रैंडर का मतलब होता है एक तरीके की आपने याद नहीं है इसको, शोभा या शान, मतलब कि उसे लगता है कि वह ही शानदार इंसान है, ठीक है, जिसके पास विशेष शक्तियां हैं, दूसरों से अलग है वह, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो और कंट्रोल में उसे लगता है कि दूसरों के द्वारा उसकी फीलिंग्स को, थॉट्स को, जहाँ जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसके एक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये हमने सिजोफ्रेनिया पढ़ा, सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव जो सिम्टम्स थे उसमें हमने डिल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पीपल विद सिजोफ्रेनिया मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली एंड मे स्पीक इन पेक्यूलियर ways, these formal thought disorder can make communication extremely difficult। तो यहाँ पे अब आगे ये बात आई है कि भाई जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति होता है वह तर्कपूर्ण ढंग से, वह लॉजिकली तरीके से सोच नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको फिर जब वह नहीं सोच सकता है, उसको बोलने में, ठीक है, या उसको बातचीत करने में कुछ कठिनाई होती है, तो कह रहे हैं दीज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। तो यह एक तरीके का फॉर्मल थॉट्स डिसऑर्डर है, मींस जो भी उसका चिंतन है वह फॉर्मली तरीके से नहीं होता, तो इसमें उसको कम्युनिकेशन करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो इसमें कह रहे हैं दीज इंक्लूज रेपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर सो दैट द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग इज मडल्ड एंड बिकम्स इलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें मीन्स ये चीज़ कही गई है कि अगर वह फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाता है, सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत हमने आगे हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल थॉट्स, ठीक है, तो अगर वह उससे ग्रसित हो जाता है तो मीन्स इसमें फिर व्यक्ति क्या है कि जो भी चीज़ें वह बोलता है तो वह तेजी से मीन्स बोलता है, और उसका उसके जो शब्द होते हैं बोलने वाले, उसका मीन्स एक दूसरे के साथ कोई भी एक हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ कोई संयोजन नहीं होता, ठीक है, मींस वह कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, ठीक है। एक जो टॉपिक होता है वह टॉपिक ही नहीं बनता, ठीक है। जो टॉपिक होता है उस टॉपिक में जो शब्द वह यूज़ करता है वह ऊट पटांग शब्द यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि जब वह बोलता है किसी भी विषय से रिलेटेड तो वह उसको तेज़ी से बदल देता है, उसको शिफ्ट कर देता है, ठीक है, जहाँ अपने पूरे टॉपिक को ही शिफ्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो भी स्पीच की जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है या सोचने की जो स्ट्रक्चर होती है वह बदल जाती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और फिर वह क्या हो जाता है, इलॉजिकल हो जाता है। जो भी उसका मीन्स दूसरों के साथ किया हुआ कम्युनिकेशन स्पीच थी वह इलॉजिकल हो जाती है, उसकी बातें दूसरों को समझ ही नहीं आती, ठीक है, वह ऊट पटांग शब्द बोलता रहता है, ठीक है। मीन्स एक टॉपिक में जो बोलना था वह बोल नहीं रहा, दूसरे शब्दों का यूज़ कर लिया, ठीक है, नए शब्दों का यूज़ करता रहता है। तो ये फॉर्मल थॉट्स डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये लक्षण आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है मेन सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव में ही ये बात आई, पॉजिटिव में है ये कैटेगरी, सॉरी लक्षण, सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव लक्षणों में हलूसिनेशन। तो ये मेन है हलूसिनेशन में, देखो आपने क्या चीज़ अब याद रखनी है, हलूसिनेशन को एक तो आपने याद रखना है कि इसको डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको हम डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम भटक जाते हैं, ठीक है। तो हलूसिनेशन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं परसेप्शंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। तो भाई जो कि हलूसिनेशन है तो इसमें बिना किसी बाहरी उद्दीपक के, जब बिना किसी बाहरी उत्तेजना के व्यक्ति
क्या करता है, एक तरीके की परसेप्शन करता है, मतलब कि जो भी चीज़ वह सोच रहा है ना उसका संबंध किसी बाहरी उद्दीपक से या उत्तेजना से नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं हलूसिनेशन को थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। देखो इसको डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, ये मैंने बता दिया, तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। यह एक धारणा या थिंकिंग होती है जिसका संबंध बाहरी उत्तेजना से नहीं होता, इसका संबंध रियलिटी से नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ हलूसिनेशन के लिए कि सपने देखना, कि जब इंसान एक सपना देख रहा होता है, आप अपने माइंड आप सोचो कि जब आप एक सपना देख रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको जो चीज़ आप सपने में दिखाई दे रही है वो आपको लगता है कि बिल्कुल वह सच है। मीन्स सपना देखते समय आपको जो चीज़ें सच लगती हैं, है ना, लेकिन जब आप सपने से आप जाग जाते हो तो आपको मीन्स उस टाइम पे पता चलता है कि वो सारी चीज़ें झूठ थी, जो भी सपने में देखा मीन्स वो सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे आप सपना देख रहे थे तो उस टाइम पे जो आपकी परसेप्शन थी, ठीक है, उसका रियलिटी के साथ कोई संबंध ही नहीं था, क्लियर है। तो इसलिए ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि इसमें कोई भी चीज़ एक्चुअल नहीं होती जो भी कुछ आप सोचते हो, ठीक है। तो यह भी एक तरीके का भ्रम ही हो गया ना, हमने डिल्यूशन पढ़ा वो भी एक तरीके का भ्रम है, तो यह भी एक तरीके का झूठा विश्वास हो गया, ठीक है। मीन्स हमें लगता है कि ये हो रहा है बट होता नहीं है। तो यहाँ पे हलूसिनेशन में यहाँ पे हमारे पास ऑडिटरी हलूसिनेशन आया है, मीन्स आगे इसके भी कुछ टाइप आए हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं ये सारी चीज़ों का एक डायग्राम आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें से अच्छे से याद रह जाएं कि सिजोफ्रेनिया में हमने पॉजिटिव पढ़ा, पॉजिटिव में हमने कौन कौन से लक्षण पढ़े, ठीक है। तो ऐसे ही नेगेटिव में हम कौन कौन से लक्षण पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। लास्ट में ऑडिटरी हलूसिनेशन में कह रहे हैं आर द मोस्ट कॉमन इन सिजोफ्रेनिया, इसमें कह रहे हैं जो पेशेंट होता है हियर साउंड और वॉइस दैट स्पीक वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस डायरेक्टली टू द पेशेंट, मीन्स जो सेकंड पर्सन हलूसिनेशन से रिलेटेड होता है। तो भाई जो श्रवण से रिलेटेड है, ऑडिटरी से रिलेटेड है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी पेशेंट होता है, जो भी वह आवाज़ सुनता है या जो भी वह ध्वनि सुनता है, वह सीधे दूसरा जो रोगी होता है उसके शब्द या मुहावरे या जो भी वह वाक्य होते हैं, ठीक है, जो वह बोलते हैं उन्हीं चीज़ों को सुनता है। मतलब कि इसका संबंध अब यहाँ पे दूसरे रोगियों के साथ इसको रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे आपने जस्ट इतना याद रखना है ऑडिटरी हलूसिनेशन में, इसमें वह मीन्स कुछ चीज़ें सुन रहा है, ठीक है, इसमें रोगी जो भी वर्ड शब्द जो भी सुन रहा है और इसका रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं। आगे इसमें कह रहे हैं कि हलूसिनेशंस कैन आल्सो इन्वॉल्व द अदर सेंस, तो इसमें और सेंस भी शामिल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे कहा है टैक्टाइल हलूसिनेशन, तो इसका संबंध किससे है, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ टाइंगलिंग वर्निंग, तो यहाँ पे मीन्स व्यक्ति को रोगी को किस तरीके का महसूस होता है, जहाँ पे उसे लगता है कि उसको एक तरीके की जलन महसूस हो रही है, ठीक है, तो उसको एक तरीके की झुनझुनी सी महसूस हो रही है अपने शरीर में, कंपकंपी सी महसूस हो रही है, ठीक है, तो ये टैक्टाइल से रिलेटेड है। सोमैटिक हलूसिनेशंस में कह रहे हैं समथिंग हैपन्स इनसाइड बॉडी सच स्नैक क्राउलिंग इन साइड वन स्टोमिक, तो इसमें जो स्टोमिक सॉरी सोमैटिक हलूसिनेशन से रिलेटेड है, सोमैटिक में आपने याद रखना है कि इसमें व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है, जैसे कि उसे लगता है कि उसकी बॉडी में उसके पेट में सांप रेंग रहा है, ठीक है, तो यह सोमैटिक हलूसिनेशन से रिलेटेड हो गया। विजुअल हलूसिनेशन में क्या कह रहे हैं कि वैक परसेप्शन ऑफ कलर और डिस्टिंक्ट विजन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें मीन्स जो रोगी होते हैं वह लोगों या वस्तुओं की जो भी दृष्टि होती है, ठीक है, सुस्पष्ट दृष्टि या रंग होता है उसका एक अस्पष्ट तरीके से परसीव करते हैं उस चीज़ को, मीन्स जो भी परसेप्शंस होता है किसका कलर का, तो वह अलग तरीके से मीन्स जो चीज़ें वह देख रहे हैं तो उसे वो चीज़ों को तो मीन्स जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं, जो कलर उसे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में उसे कोई और कलर लगता है। ऐसे ही गस्टेटरी हलूसिनेशन में कह रहे हैं कि फूड और ड्रिंक टेस्ट स्ट्रेंज, तो इसमें जो भी वह मीन्स टेस्ट करता है तो उसको जो टेस्ट एक्चुअल चीज़ का होता है वह उसे नहीं महसूस होता, उसे मीन्स चीज़ें कड़वी लगती होगी या जहर लगता होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप मीन्स उसको जो टेस्ट है वो स्ट्रेंज सा फील होता है, इसमें स्ट्रेंज टेस्ट फील होता है, उसे लगता है कि जो भी वह ड्रिंक या फूड लेता है उसे लगता है कि इसका टेस्ट वो नहीं है जो उसको लगना चाहिए, क्लियर है, लेकिन टेस्ट होता वैसे ही है। नेक्स्ट उसके बाद है ऑलोफैक्टरी हलूसिनेशन में कह रहे हैं स्मेल और पॉइजन, मीन्स जो भी वह किसी चीज़ की स्मेल को ले रहा है तो उसे स्मेल में एक अच्छी तरीके की स्मेल महसूस नहीं होती, उसको मीन्स स्मेल को ऐसा लगता है कि यह जहर हो सकता है उसके लिए, जहाँ उसके लिए स्मोक हो सकता है, ठीक है, तो उसे स्मोक या जहर की भावना यहाँ पे महसूस होती है, सॉरी स्मेल उसको महसूस होती है। तो ये कुछ हलूसिनेशन था। तो देखो हलूसिनेशन को मैं दोबारा से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, नहीं तो जस्ट आपने हलूसिनेशन याद रखना है कि क्या होता है, कि यह भी एक तरीके का भ्रम है जिसको डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका संबंध बाहरी उद्दीपनों से नहीं होता, बाहरी उत्तेजनाओं से नहीं होता, इसका संबंध रियलिटी से नहीं होता, इसमें जो भी धारणा होती है वह क्या होती है, एक तरीके का भ्रम होता है, जैसे कि सपने देखना, ठीक है। सो
ये कुछ हलूसिनेशन का आप टाइप याद रख सॉरी एग्जांपल याद रख सकते हो कि सपने देखना लगता तो एक्चुअल है, लगता तो ऐसे है कि एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब हम जाग जाते हैं सपने से तो उसके बाद हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है, ठीक है। सो अगर व्यक्ति को ये चीज़ें लगती हैं, नॉर्मल इंसान को अगर ये चीज़ें लगती हैं, तो वह नॉर्मल नहीं है, वह हलूसिनेशन से ग्रसित है जो कि सिज़ोफ्रेनिया में आता है। क्लियर है। आगे हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि हलूसिनेशन के बाद कह रहे हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो आगे हमारे पास मेन आए हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में सिज़ोफ्रेनिया किया, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सिज़ोफ्रेनिया में हमने मीन्स किया कि यह एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की जो चिंतन प्रक्रिया होती है, सोचने की शक्ति होती है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। व्यक्ति अपने पर्सनल तरीके से, सोशल तरीके से, जहाँ ऑक्यूपेशनल जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें रुकावटें आती हैं, ठीक है। व्यक्ति अपने आप को एक दुर्बल सा महसूस करता है, ठीक है। सो इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया सिज़ोफ्रेनिया को, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम। पॉजिटिव में हमने मेनली क्या किया था, पॉजिटिव में हमने मेन दो तीन चीज़ें पढ़ी। पॉजिटिव में हमने एक तो आपने याद रखना है डिल्यूशंस पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है हलूसिनेशन पढ़ा, दो चीज़ें ये मेन पढ़ी। वैसे पॉजिटिव में आप चीज़ें याद रख सकते हो, डिसऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग आ सकती है, ठीक है, एक स्ट्रेंज तरीके की परसेप्शन आ सकती है, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन दो चीज़ें आपने मेन याद रखनी है, डिल्यूशंस और हलूसिनेशन। डिल्यूशंस में हमने कुछ उसके टाइप पढ़े थे। डिल्यूशंस में हमने पढ़ा था डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस और डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडर और डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ये चार चीज़ें हमने डिल्यूशन में पढ़ी, ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी पे एक डायग्राम बना सकते हो ताकि आपकी चीज़ें याद रह जाएं। हलूसिनेशन में हमने ये पढ़ा कि यह एक तरीके की डिस्टर्बेंस होती है जिसको मीन्स जिसका बाहरी धारणा या सॉरी बाहरी उत्तेजना या स्टिमुलस से इसका कोई भी संबंध नहीं होता, रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, जैसे इंसान एक सपने देख रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ हलूसिनेशन में पढ़ा कि ऑडिटरी हलूसिनेशन हो सकता है, टैक्टाइल हलूसिनेशन हो सकता है, विजुअल हलूसिनेशन हो सकता है और गैस्ट्रिक हलूसिनेशन हो सकता है, और लास्ट में हमने ऑलफैक्टरी हलूसिनेशन हो सकता है। क्लियर है। सो ये आप डायग्राम अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आया है नेगेटिव सिम्टम्स। तो नेगेटिव सिम्टम्स में क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं आर पैथोलॉजिकल डेफिसिट। तो इसमें कुछ पैथोलॉजिकल डेफिसिट मीन्स इसमें कुछ कमियाँ आ रही हैं, उसमें चीज़ों में बढ़ावा हो रहा था, इसमें चीज़ों में कमियाँ आएंगी, जो भी मीन्स उसके लक्षण होंगे उसमें कोई ना कोई कमी आएंगी। यहाँ पे देखो कह रहे हैं इंक्लूड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ब्लंटेड एंड फ्लैट अफेक्ट, ठीक है, लॉस ऑफ वॉलिशंस एंड सोशल विथड्रॉल। तो मीन्स ये कुछ नकारात्मक में जो कि नेगेटिव सिम्टम्स हैं इसमें कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि उसको बोलने में परेशानी हो सकती है, ठीक है, तो बोलने में कमी आ सकती है। वह क्या है कि परेशान हो सकता है, दूसरों से अलग हो सकता है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, जो भी उसकी इच्छा शक्ति है वह लॉस हो सकती है, वह समाज से दूरी बना करके रह सकता है, मीन्स सोशल एंटी सोशल हो सकता है। सोशल विथड्रॉल का मतलब एंटी सोशल होना, मतलब कि समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलता, समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। तो इसमें कह रहे हैं पीपल विद सिज़ोफ्रेनिया शो एलर्जी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आया है एलोजिया। तो एलोजिया में देखो क्या कह रहे हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच। तो एलोजिया एक तरीके का पॉवर्टी ऑफ स्पीच ही होता है, ठीक है, मीन्स उसको बोलने में कमी पाई जा सकती है। तो इसमें कह रहे हैं रिडक्शंस इन स्पीच एंड स्पीच कंटेंट, मैनी पीपल विद सिज़ोफ्रेनिया शो लेस एंगर सैडनेस। तो आगे हम इसमें देख लेंगे, कह रहे हैं जॉय एंड अदर फीलिंग्स दैन मोस्ट पीपल डू। मीन्स जो इसमें जो भी हमने एलोजिया पढ़ा, तो एलोजिया में क्या हो सकता है कि व्यक्ति अपना जो भी उसकी स्पीच होती है या किसी भी विषय होता है उस पर बोलने में उसको कमी पाई जा सकती है। तो जो भी लोग किनसे ग्रसित होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उसमें क्या हो सकते हैं कि उसमें क्रोध ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई थी ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ कि जो लोग जिसमें उसमें रिडक्शंस इन सॉरी मैनी पीपल विद सिज़ोफ्रेनिया, तो जो सिज़ोफ्रेनिया तो लेस एंगर हो सकते हैं, ठीक है, सैडनेस हो सकती है उसमें, ठीक है, उसमें जो कि खुशी है, ठीक है, तथा जहाँ अधिकांश लोगों की बजाय क्रोध करने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो जॉय है वो कम हो सकती है, एंड अदर फीलिंग्स दैन मोस्ट पीपल, जो दूसरे लोगों में फीलिंग्स होती हैं वो भी उससे कम हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें लॉस हो रही है, नेगेटिव में चीज़ें लॉस हो रही थी, तो जो हमने पॉजिटिव पढ़ा उसमें चीज़ें बढ़ रही थी, ठीक है। दस दे है ब्लंटर्ड इफेक्ट, तो वही उसमें क्या हो सकता है, ब्लंटर्ड इफेक्ट हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूसरों से अलग होकर के रहना, ये ब्लंटर्ड इफेक्ट होता है। एंड सम शो नो इमोशंस एट ऑल, कोई भी इमोशंस वगैरह शो ही नहीं करते, ठीक है। नॉन हैज फ्लैट इफेक्ट मीन्स जब व्यक्ति, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी गई, यदि व्यक्ति कोई भी जॉय नहीं शो कर रहा, एंगर नहीं शो कर रहा, वह दूसरों से बिल्कुल अलग अपने आप को शो कर रहा है, तो वह ब्लंटेड इफेक्ट हो सकता है। और यदि व्यक्ति अपने जो इमोशंस हैं, ठीक है, तो वह इमोशंस नहीं शो कर रहा, तो वह फ्लैट इफेक्ट हो सकता है। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं जो हमने नेगेटिव में पढ़ी, ठीक है। सो आगे हमारे पास ऑल्सो पेशेंट्स विद सिज़ोफ्रेनिया एक्सपीरियंस ओवुलेशन, तो भाई उसको ओवुलेशन भी हो सकता है, मीन्स इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति का कम होना। तो व्यक्ति में इच्छा शक्ति कम हो जाती है, तो कह रहे हैं आप
एंड एन इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट ए कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो भी रोगी होता है तो यदि उसमें इच्छा शक्ति कम हो जाती है तो वह किसी काम को करने या उसे पूरा करने की जो भी समर्थता होती है, जो भी उसमें इनएबिलिटी होती है या जो भी उसमें सहनशीलता होती है, उसको वह क्या कर देता है, लॉस कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे चीज़ें लॉस हो रही है। आगे कह रहे हैं पीपल विद दिस डिसऑर्डर में विद्रॉल सोशली एंड बिकम टोटली फोकस्ड ऑन देयर ऑन आइडिया एंड फैंटेसी। तो भाई जो भी रोगी होते हैं इस विकार के, तो वह सामाजिक रूप से अपने आप को दूसरों समाज से अलग कर लेते हैं तथा जो भी उनकी आइडियाज़ होते हैं या जो भी उनकी कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें ही अपने आप को खोए रहते हैं। ठीक है, अपने आप मीन्स अपनी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, अपने विचारों में डूबे रहते हैं, दूसरों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे, जो अपने इमोशंस है वो शो नहीं कर रहे, जो अपना एंगर्स है खुशी है वो शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने यहाँ पर जो नेगेटिव पढ़ा, ठीक है, सो नेगेटिव में हमने मेन पढ़ा अलोजिया। ठीक है, अलोजिया में हमने पढ़ा कि व्यक्ति दूसरों से बातचीत नहीं करता, और आगे इसमें पढ़ा कि कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जिसमें गुस्सा नहीं होता, सैडनेस नहीं होती, खुशी नहीं होती, ठीक है, और वह दूसरों जैसी फीलिंग को शो नहीं करते। ये चीज़ हमने पढ़ी, तो उसको हम ब्लंटेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने आगे पढ़ा कि जो लोग इमोशंस वगैरह शो नहीं करते उसको हम फ्लैट इफेक्ट के बारे में के नाम से जानते हैं, मीन्स ये विकार हो सकता है। और आगे हमने पढ़ा जो व्यक्ति ओवुलेशंस डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है, तो वो अपने किसी भी कार्य को पूरा करने की समर्थ होती है वह खो देते हैं, और व्यक्ति इसमें क्या हो सकते हैं कि समाज से अलग रहते हैं, वह समाज के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। ठीक है, और जो भी अपने विचार और कल्पनाएं होती हैं उसमें अपने आप को मीन्स उसमें डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारे पास नेगेटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोमोटर सिम्टम्स, मीन्स थर्ड कैटेगरी आई है सिज़ोफ्रेनिया की, साइकोमोटर सिम्टम्स। तो साइकोमोटर सिम्टम्स में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली और मेक ऑड ग्राइमेसिस एंड गेस्टर्स, दे सिम्टम्स में टेक एक्सट्रीम फॉर्म्स नाउन एज कैटाटोनिया। तो भाई यहाँ पे हमारे पास इसमें एक कैटेगरी आई है कैटाटोनिया की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोमोटर सिम्टम्स में जो भी अपने शारीरिक हाव भाव होते हैं ना, वो अलग तरीके से शो करते हैं, मीन्स अपने आप को विचित्र दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अस्वाभाविक रूप से चलते हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान चलता है वैसे नहीं चलते, अपने आप को अलग तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो ये रोग हो सकता है। उसकी जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, वो अलग तरीके से शो करते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल इंसान अपने आप को शो कर रहा है वैसे नहीं शो कर रहे, अपने फेस एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर वह यह उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो इन लक्षण को हम क्या कह सकते हैं, कैटाटोनिया के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे आपने बस जस्ट कैटाटोनिया ही याद रखना है जो कि साइकोमोटर सिम्टम्स में आया है। ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कैटाटोनिया को। ठीक है, कैटाटोनिया में आपने इतना याद रखना है कि वह अपने जो भी शारीरिक हाव भाव हैं, फेस के एक्सप्रेशंस हैं, वो अलग तरीके से शो करता है। क्लियर है? तो वैसे कैटाटोनिया के आगे काफ़ी यहाँ पे प्रकार दिए हैं, कैटाटोनिक स्टूपर हो गया, रिजिडिटी हो गया, पोस्चरिंग हो गया, जिसमें वह हाव भाव अपने सही तरीके से शो नहीं करता। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन जहाँ तक इसमें काफ़ी है मैटर। तो यहाँ पर हमने दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, मेन सिज़ोफ्रेनिया में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम। पॉजिटिव में हमने जो मेन यहाँ पे डिस्कस किया था, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लक्षण आते हैं, जैसे कि डिल्यूशंस हो गया, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो गया, स्पीच हो गया, ठीक है, हाइट एंड परसेप्शन हो गया, हलूसिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने दो मेन पढ़े, एक तो डिल्यूशंस, एक हमने हलूसिनेशन, ये मेन पढ़ा था ना। ठीक है, सो डिल्यूशंस में हमने आगे इसको फिर चार प्रकार इसके पढ़े, एक तो परसिक्यूशन से संबंधित डिल्यूशन पढ़ा, एक रेफरेंस से, एक ब्रेंडर से, एक कंट्रोल से। क्लियर है? सो आगे हमने यहाँ पे जो मेन था वो हालूसिनेशन किया था, तो इसमें हमने ऑडिटरी से इसको मीन्स जो सेंसेस से संबंधित इसमें हमने चीज़ें की। ठीक है, तो ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड, ठीक है, टैक्टाइल जो है वो क्या है, एक तरीके की छूने से रिलेटेड होगी। ठीक है, सोमैटिक हालूसिनेशन में बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, ये चीज़ें उसे लगती है। विजुअल देखने से रिलेटेड होगी। ठीक है, गेस्चर उसके गेस्टेटरी उसके मीन्स खाने से संबंधित होगी, और ऑलोफैक्ट्री में हमने उसके मीन्स स्मेल से रिलेटेड चीज़ें की। ठीक है, नेगेटिव में हमने जो पढ़ा वो था हमारे पास अलोजिया। ठीक है, नेगेटिव में आपने अलोजिया याद रखना है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पीच के नाम से, मीन्स बोलने में उसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, नेगेटिव में सो उसमें फिर आगे हमने किया था कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपना एंगर जॉय वगैरह शो नहीं करते, तो नेगेटिव में मीन्स उसको ब्लंटेड इफेक्ट कहा। ठीक है, और इसमें जो व्यक्ति अपना इमोशंस नहीं शो करते उसको फ्लैट इफेक्ट कहा हमने। ठीक है, ऐसे ही हमने ओवुलेशंस किया था, जिसमें व्यक्ति किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति है वह खो देता है। ठीक है, इसमें उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती इसमें व्यक्ति में। साइकोमोटर सिम्टम्स में हमने उसके शारीरिक जो उसके हाव भाव होते हैं, चलने की जो उसके
चलने का टाइप होता है मीन्स वो कुछ ना अलग तरीके से शो करता है, जो नॉर्मल तरीके से व्यक्ति चलते हैं वैसे नहीं चलता है। इसका ये एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। सो कुछ मैं गाइज आपको एक दो तीन क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए हैं, जिसमें आपने क्या करना है, जो हमने डेल्यूशन पढ़ा था ना मीन्स डेल्यूशन के आपने टाइप बताने हैं मेरे को, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो वह कौन सा टाइप है मीन्स डेल्यूशन प्रोसिक्यूशन हो सकता है, डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस हो सकता है, मीन्स मैं आपको कुछ इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, तो जस्ट आपने मेरे को बताना है कि वह कौन सी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि कैन यू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ डिल्यूशन, तो यहाँ पे कुछ डिल्यूशन दिए गए हैं कि व्यक्ति की कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि वह कौन सा डिल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में यहाँ पे कह रहे हैं कि अ पर्सन हु बिलीव दैट शी और ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है इसमें यहाँ पे कि व्यक्ति यह सोच रहा है कि वह अगला राष्ट्रपति होने वाला है इंडिया का, क्लियर है। तो यह कौन सा डिल्यूशन है, तो टाइप्स आप देख सकते हो, ठीक है, कि वह मीन्स डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस है, डिल्यूशन ऑफ डिल्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडर है, या डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल है, क्लियर। तो ये कुछ ये चारों ऑप्शन में से आपने एक चूज करना है। सेकंड में कह रहे हैं, फर्स्ट का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। सेकंड में कह रहे हैं वन हु लीव दैट द इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस आर कंस्पायरिंग टू ट्रैप हर हिम इन ए स्पाई स्कैंडल, तो भाई यदि व्यक्ति यह सोचता है कि उसको किसी जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं या पुलिस होती हैं, तो किसी ऐसे उसको मीन्स क्राइम में उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर व्यक्ति यह सोचता है तो वह किस विकार से ग्रसित हो सकता है डिल्यूशन में, ठीक है। तो थर्ड में कह रहे हैं वन हु लीव दैट शी और ही इज़ द इंकार्नेशन ऑफ गॉड एंड मेक थिंग हैपन्स, तो यदि मीन्स व्यक्ति जाए सोचता है कि वह एक ईश्वर का अवतार है और जो वह सब कुछ घटित कर सकता है, जो भी वह चाहता है वह कुछ भी घटित कर सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर वह कौन सा विकार हो सकता है डिल्यूशन के अंतर्गत, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थर्ड का, फोर्थ में कह रहे हैं वन हु लीव दैट द सुनामी अकर टू प्रिवेंट हर और हिम फ्रॉम इंजॉय हर हिज हॉलीडे, अगर फोर्थ की बात करें तो उसको कौन सा विकार हो सकता है यदि वह यदि कोई व्यक्ति जो है सोचता है कि जो भी सुनामी आई है ना तो वह उसकी छुट्टियों को ख़राब करने के लिए आई है, ठीक है। मीन्स जो भी वह छुट्टियों में उसको उसने इन्जॉय करना था तो उसको रोकने के लिए सुनामी आ गई, तो यदि व्यक्ति जो सोचता है तो वह कौन सा विकार हो सकता है। फिफ्थ में कह रहे हैं वन हु बिलीव्स दैट हर हिज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द सैटेलाइट थ्रू अ चिप इम्प्लांटेड इन हर और हिज ब्रेन बाय सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, तो भाई यदि कोई व्यक्ति जो है मानता है कि जो भी वह कार्य कर रहा है उसको किसी बाहरी प्लैनेट द्वारा या उपग्रह द्वारा जहाँ पृथ्वीवासियों को जो भी कुछ लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है उसके माइंड में एक चिप वगैरह लगा करके, ठीक है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो यदि व्यक्ति जो है सोच रहा है तो उसको कौन सा विकार है। मीन्स जहाँ पे अब व्यक्तियों के सोचने की कुछ कंडीशंस दी गई हैं तो आपने उसको बारी बारी से देखना है और सोचना है कि डिल्यूशंस में कौन सा डिल्यूशंस हो सकता है, ठीक है। सो दोबारा से ऑप्शन दे देता हूँ, जो भी हमने पांचों किए इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं, डिल्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस हो सकता है, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडर हो सकता है, या डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो इसके आपने जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं, अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता चलता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये कुछ हमने यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया किया है, आगे हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं चीज़ें मीन्स कि कहाँ पे आगे टॉपिक जाता है। तो आगे हमारे पास बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर आता है, तो देखो यहाँ पे मेनली हम पढ़ने वाले हैं ADHD, ठीक है, ADHD डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर और सेपरेशन एनेक्जिटी डिसऑर्डर। तो भाई मेन ADHD है, देखो मैंने एक ना डिसऑर्डर की जो कि डिसेबिलिटीज़ की वीडियो प्रोवाइड की थी, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको ADHD करवाया था, ठीक है। तो यह कुछ बिहेवियर से रिलेटेड विकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं ADHD में, तो यह कुछ व्यवहारात्मक विकार होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ व्यवहार करने की मीन्स व्यवहार करने में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं व्यक्ति को, ठीक है। सो ADHD में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ADHD में कह रहे हैं द टू मेन फीचर्स ऑफ ADHD, तो यहाँ पे दो मेन फीचर हैं ADHD के, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव, ठीक है। मींस यहाँ पे मेनली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं ADHD से रिलेटेड, एक तो इनअटेंशन आता है मींस चीज़ों पर ध्यान न देना, एक हाइपर एक्टिविटी आती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं चिल्ड्रन हु आर इन अटेंटिव फाइंड डिफिकल्टी टू सस्टेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले, दे हैव ए हार्ड टाइम कीपिंग देयर माइंड्स ऑन एनी वन थिंग्स और इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कॉमन कंप्लेंट्स आर दैट द चाइल्ड डज नॉट लिसन, कैन नॉट कंसंट्रेट, डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, इज डिसऑर्गेनाइज्ड, इजली डिस्ट्रैक्टेड, फॉरगेटफुल, डज नॉट फिनिश असाइनमेंट एंड क्विक टू लॉस इंटरेस्ट इन ब्रिंग एक्टिविटीज़। तो वही यहाँ पे अब जो बच्चा इन अटेंटिव होता है ना, तो यहाँ पे पूरे लक्षण दिए गए हैं कि भाई जो बच्चा इन अटेंटिव यहाँ पे होता है वे किसी भी काम या खेल के समय मानसिक रूप से चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। दे हैव ए हार्ड टाइम कीपिंग देयर माइंड ऑन वन थिंग, मतलब कि उसके माइंड में बहुत ही मुश्किल से कुछ
कुछ चीज़ें बनी रहती हैं, मीन्स जो भी वह अपने माइंड में चीज़ें रखते हैं वो इजी तरीके से भूल जाते हैं। तो उनमें हमारे पास जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं वह कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, वह अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं, वह कंसंट्रेट नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, उनका जो बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज होता है, इजी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, अपना काम अच्छे तरीके से फिनिश नहीं करते हैं और जो भी इंटरेस्ट है वह पूरा लॉस कर देते हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत बोरिंग होती है। क्लियर है? जो बच्चे इंपल्सिव होते हैं अब ठीक है, तो इंपल्सिव में यहाँ पे कह रहे हैं अनेबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शंस टू थिंक दे एक्ट, मतलब कि जो बच्चे यहाँ पे इंपल्सिव हैं ठीक है, तो वे अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इमीडिएट रिएक्शंस होता है ठीक है, उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वे उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जहाँ जो भी वह कोई ना कोई काम करते हैं उससे पहले वह सोच नहीं पाते हैं ठीक है। मीन्स जो बच्चे इंपल्सिव दे फाइंड टू डिफिकल्ट टू वेट और टेक डाउन्स ठीक है, वे मीन्स अपनी जो कि दे फाइंड टू डिफिकल्ट मीन्स वेट नहीं कर पाते हैं वो किसी भी बात का, किसी भी जैसे कि वह खेल खेल रहे हैं तो उसे तो वह अपनी बारी का वेट नहीं करेंगे, वह पहले खेलना चाहता है ठीक है इंपल्सिव में। तो यहाँ पे कह रहे हैं हैव डिफिकल्टी रेजिडेंस इमीडिएट टेम्पटेशंस और डीलिंग ग्रेटिफिकेशंस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंपल्सिव जो उसमें मीन्स लक्षण होता है तो वह प्रतीक्षा करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे जो भी अपना कार्य होता है ठीक है या जो भी अपना टेम्पटेशंस होता है उसको रोकने में उसको कठिनाई महसूस होती है ठीक है, तो वह हर चीज़ को मीन्स उसे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें कर दूँ ठीक है। माइनर मिसहैपन्स सच एज नॉकिंग थिंग्स ओवर कॉमन, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि चीज़ों को खटखटाना, वह दरवाजे पर खड़ा है तो दरवाजा खटखटा रहा है ठीक है, तो चीज़ों को गिरा देता है ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं वेयर एज मोर सीरियस एक्सीडेंट एंड इंजरी कैन ऑल्सो अकर, तो यहाँ पे वह दूसरों को क्या कर सकता है, दूसरों को कुछ चोट भी पहुँचा सकता है ठीक है। तो ये कुछ उसमें इंपल्सिव बच्चे में ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ADHD में ही एक तरीके का आता है। उसके बाद कह रहे हैं हाइपर एक्टिविटी ठीक है, हाइपर एक्टिविटी ऑल्सो टेक मेन फॉर्म्स, तो चिल्ड्रन विद ADHD आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, तो भाई जो हाइपर एक्टिविटी में भी बहुत सारे रूप होते हैं, तो ADHD वाले बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, सिटिंग स्टिल थ्रो लेसन इन इम्पॉसिबल फ्रो इज इम्पॉसिबल फॉर देम, तो भाई अगर वह किसी पार्ट कक्षा में कोई पार्ट चल रहा है तो वह मीन्स सभी बच्चे शांत बैठे हैं लेकिन वह शांति से बैठना मीन्स कठिन महसूस करेंगे, उसे लगेगा कि वह शांति से नहीं बैठ सकता तो वह हलचल करने लग जाएगा, जहाँ उसका ध्यान पाठ से भटक जाएगा, लेसन से भटक जाएगा और वह दरवाजे से बाहर देखने लग जाएगा ठीक है, या कुछ दूसरे बच्चे के साथ शरारत करने लग जाएगा, मीन्स एक जगह पर टिक करके वह नहीं बैठ सकते ठीक है। इसमें कह रहे हैं द चाइल्ड में फिगेट स्क्यूम क्रिम एंड रन अराउंड द रूम एमलेसली, तो बच्चा मीन्स बिना किसी एम के कुछ ना कुछ शरारतें करता रहता है, कभी वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है, कमरे के ऊपर चढ़ जाता है, अलमारियों के ऊपर चढ़ जाता है, मीन्स ऐसे वो चारों तरफ कमरे के चारों तरफ भागता रहता है, मीन्स उसका कोई एमलेसली ही भागता रहता है ठीक है। मीन्स कोई एक तरीके का बच्चा हम कह सकते हैं टिक करके ही नहीं बैठ सकता। तो कह रहे हैं पेरेंट्स एंड टीचर डिस्क्राइब दैम एज ए ड्राइवन वाई ए मोटर, तो जो कि पेरेंट्स है या टीचर्स हैं वह एक बच्चे के बारे में कहते हैं कि यह इसके पैर में कोई ना कोई चक्की लगी है, जो कि हर दम वह चक्की चलती रहती है और वह भागता रहता है ठीक है। एंड कह रहे हैं टॉक इंसेंशेंटली, तो भाई बच्चा क्या है लगातार बातें करता रहता है ठीक है। बॉयज़ आर 4 times मोर लाइकली टू बी गिवन दिस डायग्नोस दैन गर्ल्स, तो इसमें कह रहे हैं कि यह जो विकार है लड़कियों की तुलना में लड़कों में जो है लगभग 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है यह विकार। क्लियर है? तो ADHD में कुछ ये लक्षण थे जो हमने किए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर ODD, डिस्प्ले इज इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ स्टब बोर्नेस आर इरेटेबल डेफियंट डिसऑबिडेंट एंड बिहेव इन ए हॉस्टिल मैनर अनलाइक ADHD, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो ODD से रिलेटेड या ग्रसित बच्चा है तो उम्र के हिसाब से मतलब कि वह क्या कर सकता है अपनी एक जिद जो उसकी एक जिद होती है ना वो प्रदर्शित करता है। मीन्स एक छोटा बच्चा जिद करता तो अच्छा भी लगता है कि चलो भी छोटा बच्चा है उसने कोई ना कोई जिद कर दी, लेकिन इसमें बच्चे की कोई एज इन अप्रोप्रिएट एज होती है वहाँ पर भी वह अपनी एक जिद प्रदर्शित करता है। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं कि आज्ञा का पालन नहीं करते, जो भी उनका बिहेव होता है वह एक तरीके का शत्रुतापूर्ण बिहेव होता है वह ठीक है। और कह रहे हैं कि यह ADHD के मीन्स अगेंस्ट होता है एक तरीके का, ADHD की तरह नहीं होता, जो ODD है वह ADHD की तरह नहीं होता, वहाँ पे बच्चे टिक करके नहीं बैठ रहे थे ठीक है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा जो व्यवहार होता है वह चिड़चिड़ापूर्ण होता है, इसमें बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते, कहना नहीं मानते ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रेट्स ऑफ ODD इन बॉय एंड गर्ल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, तो जो कि भाई ODD का रेट है जो भी इसकी दर है वह लड़के और लड़कियों में ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट नहीं होती, मीन्स जो है लड़कों में भी पाया जा सकता है उतना ही लड़कियों में भी पाया जा सकता है। आगे कह रहे हैं द टर्म कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर, तो जो है मीन्स अब यहाँ पे तो देखो आप
इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो यह टर्म है कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर, तो इसमें कह रहे हैं रेफर टू एज इन अप्रोप्रिएट एक्शन एंड एटीट्यूड दैट वायलेट फैमिली एक्सपेक्टेशन सोशल नॉर्म्स एंड द पर्सनल एंड पॉवर्टी राइट्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ तो उनको मीन्स यह कह सकते हैं वह अपने परिवार के एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध होते हैं, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वह उनकी पालना नहीं करते, ठीक है, अपने ही रूल बनाते हैं जो कि एंटी सोशल होते हैं, दूसरों के जो भी अधिकार होते हैं ठीक है उसकी उल्लंघना करते हैं वे, और जो भी उनका आचरण होता है वह अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द बिहेवियर टिपिकल ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूड अग्रेसिव एक्शन, तो वह उसमें अग्रेसिव एक्शन वगैरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेटन्स हार्म्स जो कि वह दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाला व्यवहार भी शो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वह किसी व्यक्ति को पहुँचाना हो जाए चाहे वह एनिमल्स को, उसमें उनका जो नॉन अग्रेसिव बिहेवियर वो भी शो हो सकता है, जिसमें वह क्या है कि दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर डिसाइडफुल और थेफ्ट एंड सोशल सॉरी सीरियस रूल्स वायलेशन, तो यहाँ पे उनका जो व्यवहार है नॉन अग्रेसिव भी हो सकता है, मीन्स जिसमें वह झगड़ा वगैरह नहीं करते, दूसरों को चोट वगैरह नहीं पहुंचाते, यहाँ पे वह दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि किसी के घर के कांच का घर का शीशा वो तोड़ दिया है ना, या किसी के घर का जो कि दीवार है ठीक है, जो दीवार को मीन्स कुछ ना कुछ, या घर की घर में गाड़ी खड़ी है उसमें स्क्रैचेस कर दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं, चोरी करते हैं ठीक है, जो सीरियस रूल होते हैं उनको वायलेट करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल में आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ मीन्स देखो यहाँ पे वर्बल अग्रेशन वगैरह शो कर सकते हैं, जिसमें जैसे वह गालियां वगैरह देंगे, फिजिकल अग्रेशन में वह एक दूसरे को मारपीट करेंगे ठीक है, हॉस्टिल अग्रेशन में जो भी वह मीन्स दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है डायरेक्ट उसी को चोट पहुंचाएंगे ठीक है, एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन में कह रहे हैं डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर विदाउट प्रोवोकेशन, कि भाई जो भी हमारे पास प्रोएक्टिव एग्रेशन है वह बिना किसी उकसाने पर भी ठीक है दूसरे लोगों को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, जहाँ उन पर हावी हो सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं प्रोएक्टिव एग्रेशन में। देखो वर्बल एग्रेशन में वह मारपीट नहीं करते हैं, वह जस्ट एक दूसरे को गालियां वगैरह देते हैं, कस्में वगैरह डाल देते हैं ठीक है, ऐसे ही फिजिकल एग्रेशन में वह पूरा एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, झगड़ते हैं ठीक है, एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं ठीक है, ऐसे ही हॉस्टिल एग्रेशन में इसको हम कह सकते हैं शत्रुतापूर्ण ठीक है आक्रमण करना, शत्रुतापूर्ण तरीके से आक्रमण करना ठीक है, तो यह दूसरों को चोट पहुंचाने के इरादे से किया हुआ व्यवहार होता है, दूसरों को चोट पहुंचाना। प्रोएक्टिव एग्रेशन में मींस किसी दूसरे के साथ कोई भी चाहे मींस लड़ाई झगड़ा ना हो फिर भी वह किसी दूसरे को धमका देंगे, किसी दूसरे को डरा देंगे ठीक है, जब उन पर हावी हो जाएंगे, तो इसमें बिना उकसाने पर भी यदि बच्चा ऐसा करता है तो वो किसमें कंडक्ट एंटी सोशल बिहेवियर में आ सकता है ठीक है। तो आगे मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, इसके कुछ फुल फॉर्म्स ही देखेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे क्या चल रहा है। सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर एसिड एंड डिप्रेशन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेपरेशन एंग्जायटी देखो अलग, सेपरेशन का मतलब अलग होना है, एंग्जायटी डिसऑर्डर मतलब की चिंता, मतलब कि इसमें अलग होने से बच्चे को चिंता बनी रहती है ठीक है। तो यह एक इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर है, जिसमें मैं आपको इसके कुछ गुण बता देता हूँ कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं कि एक्सेसिव एंग्जायटी और इवन पैनिक एक्सपीरियंस बाय चिल्ड्रन एट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देम, मतलब कि जब बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो इस तरीके से मीन्स जब यदि बच्चा इस विकार से ग्रसित है तो वह अकेले नहीं रह सकता कभी भी, कह रहे हैं चिल्ड्रन विद एसएडी में हैव डिफिकल्टी बीइंग इन ए रूम बाय देमसेल्फ, तो यहाँ पे बच्चा अकेला किसी भी रूम में नहीं रह सकता, जो भी इसे स्कूल जाने में कठिनाई हो सकती है तो वह किसी भी नई सिचुएशन में प्रवेश करने से वह क्या करते हैं डर जाते हैं, जो भी उनके लिए नई सिचुएशन होती है उसमें वह इजीली तरीके से प्रवेश नहीं करते, एंटर नहीं करते, क्लियर है। सो कह रहे हैं क्लिंग टू एंड शैडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव टू अवॉइड सेपरेशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वे बच्चे ये बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बच्चे एक छाया की तरह एक शैडो की तरह हर काम में मीन्स अपने माता पिता से चिपके ही रहते हैं ठीक है, वह अपने माता पिता से अलग होने पर क्या करते हैं कि चिल्लाने वगैरह लग जाते हैं, रोने वगैरह लग जाते हैं, हंगामा वगैरह करने लग जाते हैं, और जहाँ तक कि वह एक तरीके का आत्महत्या का हाव भाव भी प्रदर्शित करते हैं कि वह सुसाइड कर लेंगे अगर वह अपने माता पिता से या अपने चाहने वाले से अलग हो जाएँ ठीक है। तो ये एस ए डी में आता है। सुपरवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में कह रहे हैं, तो भाई इसमें कह रहे हैं दीज डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाय सीवियर एंड वाइड स्प्रेड इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, तो सीधी सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि बच्चे इसमें सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण कौशल में थोड़ा सा दोष महसूस करते हैं, और जो उनका व्यवहार होता है वह थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग होता है, जो उसकी अप्रूतियाँ या गतिविधियाँ होती हैं वह उसमें दोषपूर्ण उसमें कुछ ना कुछ दोष पाया जाता है ठीक है। आगे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ऑटिज्म है ठीक है, सो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ऑटिज्म मैंने आपको करवाया हुआ है पहले भी वीडियो में ठीक है, तो इसमें जस्ट आपने इतना याद रखना है कि यह भी एक मोस्ट कॉमन सा डिसऑर्डर है, जिसमें कह रहे हैं चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है मार्क्ड डेफिशिट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें समाज के साथ इंटरेक्शन करने में या कम्युनिकेशन करने में उसको कमी महसूस होती है ठीक है, तो कठिनाई महसूस होती है। ए रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फॉर रूटीन, अबाउट 70% ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर आल्सो मेंटली रिटार्डेड, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई
उनको अंतक्रिया करने में कठिनाई महसूस होती है, और उनकी बहुत सी जो अभिरुचियाँ होती हैं तथा उसमें जो भी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटी होती है या जो भी इच्छा होती है, ठीक है, तो इसमें लगभग कह रहे हैं कि लगभग 70% जो बच्चे हैं वह इस जो ऑटिज़म है इससे लगभग रिटार्डेड हुए पड़े हैं, इससे वह मंद हो जाते हैं, ठीक है, जो उनका मानसिक रूप से रिटार्डनेस आ जाती है उसमें यदि वह बच्चे ऑटिज़म होते हैं। क्योंकि अब देखो, यदि हम बातचीत करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगी, और यदि बच्चा बातचीत नहीं कर रहा, उसको कम्युनिकेशन करने में कठिनाई आ जाती है, तो सिंपली सी बात है कि उसका वह मेंटली तरीके से रिटार्डेड हो सकता है। क्लियर है? सो आगे हमारे पास यहाँ पे ये इतना ही बहुत है, आगे आपने यहाँ पे ना हमारे पास एक और आएगा ईटिंग डिसऑर्डर। सो यहाँ तक हम अपना टॉपिक ओवर कर देंगे, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर में दो चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ ईटिंग डिसऑर्डर में कह रहे हैं दीज इंक्लूड एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और विंज ईटिंग। तो भाई जी इसमें तीन चीज़ें आई हैं, लेकिन दो चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक तो अनुरुक्सिया से रिलेटेड, एक बुलमिया से रिलेटेड, ठीक है। अनुरुक्सिया में कह रहे हैं द इंडिविजुअल हैज़ ए डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज दैट लीड्स हर और हिम टू सी हर हर सेल्फ और हिम सेल्फ एज ओवरवेट। तो यहाँ पे मीन्स व्यक्ति जो अपने शरीर की जो फिजिकबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में एक गलत एक बुरी धारणा बना लेता है, जिसके कारण वह अपने आप को समझता है कि उसका जो वेट है वह बहुत ज़्यादा है, अपने आप को ओवरवेट समझता है, ठीक है। सो ऑफन रिफ्यूजिंग टू ईट, तो वह खाने को अक्सर क्या कर देता है, मना करता है, ठीक है। एक्सरसाइज कंपल्सिवली, वह लगातार क्या करता रहता है, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है। एंड डेवलपिंग अनयूजुअल हैबिट्स सच एज रिफ्यूजिंग टू ईट इन फ्रंट ऑफ अदर, तो वह कुछ ऐसी आदतें अपने आप में डेवलप कर देता है कि जैसे दूसरों के सामने नहीं खाना। द एनोरेक्सिया में लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वेट एंड इवन स्टार्व हरसेल्फ फॉर हिमसेल्फ टू डेथ। तो भाई वह जहाँ इतना मतलब कि अपने आप को वजन घटाने में बिजी कर देता है यदि उसको जहर हो गया, कि वह इतना पतला हो जाता है, मीन्स वह इजिली तरीके से अपना वजन कम कर देते हैं, मीन्स जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात यह है कि यह एक विकार है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ओवरवेट महसूस करता है, जिसमें फिर वह क्या करता है, लगातार एक्सरसाइज करता है, लगातार कोई भी खाने को मना कर देता है, जो हैवी फूड होते हैं वो नहीं खाता, ठीक है। सो सिचुएशन जहाँ तक बन जाती है कि वह इतना वजन कम कर लेता है कि उसकी मृत्यु की स्थिति भी बन सकती है। क्लियर है? तो ये है अनोरेक्सिया में। बुलिमिया में आपने याद रखना है द इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड देन पर्स हर हिज बॉडी ऑफ फूड बाय यूजिंग मेडिसिन सच एज लैक्सेटाइव्स और ड्यूरेटिक्स बाय वोमिटिंग। भाई यहाँ पे क्या होता है कि बुलिमिया में आपने याद रखना है कि इसमें वह अपने आप को वजन कम करने के लिए यहाँ पे वह इग्नोर नहीं करता फूड को, वह हैवी मात्रा में खा भी लेता है, और उसके बाद वह दवाइयों वगैरह का सेवन करके मीन्स जो ईजली तरीके से चीज़ें पचा लेते हैं, ठीक है, या ईजली तरीके से चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, मीन्स पहले खा लेना फिर बाहर निकाल देना, ठीक है, दवाइयों वगैरह का सेवन करके। तो यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे खाना खा लेता है, खा सकता है, उसके बाद यहाँ पे वह कुछ ऐसी दवाइयाँ वगैरह का सेवन करके या वोमिटिंग करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, और पेट साफ होने जब उसका पेट साफ हो जाता है तो यही चीज़ कही है द पर्सन ऑफन फील डिसगस्टेड एंड अशेम्ड व्हेन शी और शी विंज एंड हर रिलीव ऑफ टेंशन एंड नेगेटिव इमोशंस। मींस जब उसका पेट साफ हो जाता है तो उसके बाद फिर वह जो भी उसमें टेंशन थी या जो भी उसमें नेगेटिव इमोशंस पनप रहे थे उससे वह अपने आप को मींस दूर हुआ महसूस करता है, मुक्त महसूस करता है, ठीक है, उसे लगता है कि अब वह टेंशन फ्री हो गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इन विंज ईटिंग देयर आर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल इनटेक। तो इसमें इसको हिंदी में अनियंत्रण भोजन बोलते हैं, कि इसमें जो भी व्यक्ति होता है वह भोजन करने का जो भी एपिसोड होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें तो आपने याद रखनी है यहाँ पे, अनोरेक्सिया और बुलिमिया। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ओवर होता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी हमारी। तो इसके बाद जब यह मीन्स जो हम इसके सारे टॉपिक चैप्टर कर लेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक के, उसके बाद मैं आपके लिए एक कोर्सेज लेकर के आऊँगा जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड हो सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन मिल सकते हैं, एनसीईआरटी जो हमने अभी ये पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्विज सेक्शन रहेगा हमारा जिसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, ठीक है, इससे मन को खुशी मिलती है, ठीक है, हमें लगता है कि हमें कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिक ऑन द गिव आइकॉन टू सब्सक्राइब अस। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स। क्लिक ऑन द गिव आइकॉन टू सब्सक्राइब अस।